पार्किंग वाले भाई हैं वो आधा घंटा तक कोई गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे, और समाज के साथी जो है वो मुसाफा के बाद दोहर के बाद फिर यही तस्वीर ले आएंगे। पार्किंग वाले भाई आधा घंटा तक पार्क से गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, आधा घंटा पैदल लोग जाएंगे, उसके बाद मोटरसाइकिल छोड़ा जाएगा, आधा घंटा के बाद मोटरसाइकिल छोड़ा जाएगा, उसके बाद फोर व्हीलर को छोड़ा जाएगा, और फिर अखिल में टेम्पो और फिर अखिल में ट्रैक्टर को छोड़ा जाएगा। इस तस्वीर को थोड़ा देर में तमाम हमारे निगरानी वाले भाई हमारे सफर से पश्चिम तरफ एक काफी खोल गया रास्ता संकरी है छोटा है। निगरानी वाले भाई हमारे तखत को इसके पीछे जो है वो खोल गए काफी और निकलने में आसानी होगी, और निगरानी वाले साथी तमाम से जो मोबाइल न चलाए, मोबाइल न चलाए, वीडियोग्राफी नहीं कराए, अल्लाह के वास्ते आप मान जाए, अल्लाह के वास्ते मान जाए भाई। जरूरी नाम सुन ले, पार्किंग वाले आधा घंटा तक किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे, आधा घंटा पैदल लोग जाएंगे, उसके बाद मोटरसाइकिल को छोड़ा जाएगा, उसके बाद फोर व्हीलर छोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है फिर आप टेम्पो को छोड़ेंगे, फिर में ट्रैक्टर को छोड़ेंगे, इस तरकीब के साथ छोड़ेंगे, क्योंकि रोड जो है वो सिंगल है, जाम लगने का खतरा है, जाम न लगे इसलिए गाड़ी को रुक रोक के छोड़ा जाए। हिसाब से अपने घरों को निकले भाई, इत्मीनान के साथ निकले, किसी को तकलीफ न दे। ये जो सामने है ये अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के लिए मुसाफा हो रहा था, ये अदब के खिलाफ है जी, ये अदब के बात कौन दिन कुछ लिया की मोहम्मद जलालुद्दीन अल्लाह सोना मोहम्मद अलाउद्दीन साहब जलालुद्दीन साहब घर लह सोना मोहम्मद जलालुद्दीन साहब घर लह सोना वो तखत के करीब आ जाए, पहुँचाने की कोशिश करें। इस बार के मुकाबले में एक साथी का यही बात ही मोबाइल गुम हो गया, इसलिए और कितने मेरे साथी अपने घरों को निकले। साथियों को दिक्कत में डालकर मुसाफा ना करें भाई, साथियों को दिक्कत में डालकर मुसाफा ना करें। ঘোরা বসবে আমরা নিকল পায়দল বলা পেলে নিকলা কে পায়দল বলা আছে